लाइव सिटीज में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुत सारी बातें कही। खासकर उन्होंने ये बताया वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में और क्या क्या कहा, आइए आप इस वीडियो में सुनिए। लेकर के जो पक्ष विपक्ष में आंदोलन कहिए या बहस चलिए कहिए चल रहा है, तो सबसे पहला हम सवाल लेते हैं कि वन नेशन वन कार्ड का वन कार्ड का मतलब है कि वन राशन कार्ड। तो हमने घोषणा किया था कि एक जून तक जो है पूरे देश में एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड वन नेशन वन राशन कार्ड हम शुरुआत कर देंगे और उसमें कोई भी आदमी देश का कहीं भी, जैसे बिहार का कोई आदमी है काम करने के लिए जाता है और वो लाभार्थी है, उसको राशन कार्ड मिला हुआ है, यदि बम्बई जाए कलकत्ता जाए जहाँ कहीं भी पूरे देश में जाए या कलकत्ता का आदमी कहीं जाए कहीं भी कोई चला जाए उसको वही कार्ड के ऊपर में जो है उसको राशन जो है मिलेगा। तो इसको हमने तीन फेज किया था। हमने उसमें कहा था कि पहला हमने जो है टाइम फिक्स किया था जो है और जनवरी पहले तो हमने शुरुआत में जो है तेलंगाना और आंध्र का किया, महाराष्ट्र और गुजरात का किया और उसके बाद जो है फिर जो है जो इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी है वो जो है अभी तक जो है 16 राज्यों में जो है शुरू किया जा चुका है और वो जो राज्य हैं वो है आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, गुजरात, झारखंड, ये राज्य हैं। और जो चार राज्य हैं मेजर, चूँकि नॉर्थ ईस्ट में थोड़ी सी दिक्कत आएगी चूँकि वहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी कह गए थे कि राशन के दुकान हैं उसमें पॉस मशीन लग जाना चाहिए और आधार कार्ड से जो है राशन कार्ड को जुड़ जाना चाहिए। तो वो मान लेते हैं कि तो नॉर्थ ईस्ट में भी त्रिपुरा है और दो तीन राज्य हो गए हैं, एक दो तीन राज्य बचेंगे। तो ये उसके अलावा जो मेजर स्टेट हैं उस मेजर स्टेट में जो है बिहार में आएगा तो उसको भी उसी कार्ड पर मिलेगा जो ओरिजिनल कार्ड है और बिहार का आदमी कहीं जाएगा उसको भी उसी कार्ड पर मिलेगा जो उनका ओरिजिनल कार्ड है। सर उसका वैलिडिटी 2019 तक ही था। उसका वैलिडिटी 2019 तक ही था। क्या वैलिडिटी 2019 तक था सर? नहीं, वो तो अलग बात है ना। वो देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि जो राशन कार्ड है तो राशन कार्ड पूरे देश में जो है हम लोग जिसको राशन का लाभार्थी कहते हैं तो वो लाभार्थी जो है वो है 81 करोड़ लोगों का है। 81 करोड़ लाभार्थी हैं जिनको 5 रुपये किलो जो है 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल जो है दिया जाता है। तो 81 करोड़ क्या कहते हैं कि लोग हैं और जो 81 करोड़ जो लोग हैं वो जनसंख्या जो है वो तय है नीति आयोग से, मतलब नीति आयोग का पहले योजना आयोग था, अब नीति आयोग से तय हुआ। तो वो जो है कुल मिलाकर के 610 लाख टन जो है हम लोग क्या कह सकते हैं कि अनाज उसमें हम PDS के माध्यम से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से देते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि जो है तो उसकी वैलिडिटी तब तक रहती है जब तक कि राज्य सरकार उसमें से नाम नहीं निकाले, चूँकि जो एक्ट बना है उस एक्ट में पैसा हम देते हैं 1,78,000 करोड़ रुपया का सब्सिडी देते हैं, 1,78,000 करोड़ रुपया खरीदते हैं 20 रुपया में गेहूँ देते हैं, 2 रुपया में चावल खरीदते हैं, 30 रुपया में देते हैं, 3 रुपया में। तो जो एक्स्ट्रा पैसा है वो हम लोग क्या कहते हैं कि भारत सरकार जो है
सब्सिडी के रूप में देने का काम करती है, लेकिन कौन लाभार्थी होंगे यह तय करना राज्य सरकार का काम है। हालांकि उसमें क्राइटेरिया बना हुआ है कि जो बिल्कुल सबसे, जैसे एक और भी है उसमें जो सबसे गरीब हैं, अंत्योदय है, उसको 35 kg मिल रहा है, और उसको क्या कहते हैं वही रेट पर मिल रहा है 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, वो एक अलग कैटेगरी है, और ये क्या कहते हैं कि है। तो इसलिए उसमें क्या कहते हैं कि जो है संख्या का घटने बढ़ाने का सवाल क्या कहते हैं कि नहीं है, संख्या उतना ही रहेगा। किसी राज्य में संख्या यदि घट भी जाता है, जैसे मानते हैं कि अभी हम लोगों ने करीब करीब 3 करोड़ क्या कहते हैं कि राशन कार्ड को हम लोगों ने जाली निकाला, ये जो है आपका राशन कार्ड को जोड़ देना सीडिंग से, तो उसको उसमें क्या कहते हैं कि जो हम लोगों ने जो जोड़ने का काम किया आधार से, तो उसमें आधार में जोड़ने के कारण से क्या है कि करीब करीब 3 करोड़ राशन कार्ड, मतलब करीब करीब 15 करोड़ लाभार्थी उसमें से जाली पाए गए। तो बिहार का जो है सो अभी तक कई कई आंकड़ा है बिहार का, उसमें जो है कर लेंगे उसमें बिहार का तो है, तो उसमें क्या कहते हैं है होगा नहीं कहीं तो मंगवा लीजिए, वो रखा हुआ है, तो उसमें जो है वो 1 जून तक हो जाएगा। और ये जब 1 जून तक हो जाएगा तो उसमें एक तो बहुत ज़्यादा गलत फहमी जो है अफवाह फैलाया जा रहा है कि नया कार्ड बनेगा है ना, और उसके लिए क्या कहते हैं कुछ नहीं, जो कार्ड है वो कार्ड क्या कहते हैं उसी कार्ड के आधार पर वो जाएंगे। हाँ, स्टेट के लोग अपना जो है करना चाहें कैसे करेंगे, उनको उसका तो एक्स्ट्रा जो है वो तो मिल ही जाएगा। तो इसलिए जो है ये बहुत बड़ा जो है, जो खास करके गरीब लोग हैं बाहर चले जाते हैं और उनको जब जाएंगे तो 50% जो है पहले जो है, चूँकि हो सकता है परिवार के कुछ लोग यहाँ भी रहते हों वहाँ भी रहते हों, तो 50% क्या कहते हैं कि उसमें क्या कहते हैं कि है, और यदि पूरा परिवार के लोग हैं तो 100% क्या कहते हैं कि जो है हो जाएगा। तो इसमें जो मजदूर क्लास के जो लोग हैं खास करके, उनको क्या कहते हैं कि जो है बहुत बड़ी क्या कहते हैं कि इसमें जो है राहत क्या कहते हैं कि मिलेगा। इस संबंध में और किसी को कोई जानकारी लेना हो तो आप पूछ सकते हैं, ईडी आए हुए हैं ना। जैसा कि आपने उनको सुना, उनका कहना था वन नेशन वन राशन कार्ड, इसका मतलब ये है कि जिसके पास राशन कार्ड है वो इंडिया में कहीं भी इसका फ़ायदा उठा सकता है, और ये 1 जून 2020 से लागू हो जाने वाला है। ये बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर दिल्ली वाले लोग पटना आते हैं, पटना वाले लोग मुंबई जाते हैं, कोई भी कहीं से अपना राशन उठा सकता है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि इसमें 81 करोड़ लोगों जो उपभोक्ता उनको फ़ायदा होगा, उन्होंने नंबर बताया और ये एक बातें कही उन्होंने। और भी छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें लाइव सिटीज़ के साथ, और हाँ, जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।